देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने छावनी परिषद में पॉलीथीन कचरा बैंक का उद्घाटन किया। यह राजधानी देहरादून का पहला कचरा बैंक है जो घरों और सड़कों से प्लास्टिक कचरे को साफ करेगा। दरअसल प्लास्टिक कचरे की समस्या को देखते हुए छावनी परिषद ने प्लास्टिक कचरा बैंक को शुरू किया गया। इस दौरान छावनी परिषद ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बीच पॉलीथीन एंड ई वेस्ट कलेक्शन कंपटीशन भी करवाया था, जिसमें लोगों को प्लास्टिक कचरे के प्रति जागरूक किया जाएगा। और इस दौरान कंपटीशन में पहले स्थान पर आने वाले संगठन को शहरी विकास मंत्री की तरफ से पुरस्कृत किया गया। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आप जानते हैं जिस प्रकार से हमारे पूरे देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक स्वच्छता पखवाड़ा करके मना रहे हम लोग, और उन्होंने शुरू से एक बात रखी है, स्वच्छ यदि हम भारत रखेंगे तो अनेकों बीमारियां इससे दूर होंगी। लेकिन आप देखिए, लगातार ये अभियान चल भी रहा है, साफ सफाई भी हो रही है, और आप ये भी जानते हैं कि मेरे उत्तराखंड को इस बार हमें 7 पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुए थे, और उसमें जो हमारा ये छावनी परिषद है, इसने पिछली बार एक बहुत अच्छा काम किया था, मैंने खुद उस कार्यक्रम में शिरकत की थी। आज उसी प्रकार का एक नया अभिनव इन्होंने यहाँ पर किया है। मुझे लगता है देश में पहला ऐसा होगा जो प्लास्टिक कचरा बैंक करके आप लोग यहाँ उसका आज हमने उद्घाटन किया है। मिस्टर दत्ता, मिस्टर अभिनव यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ उन प्लास्टिक को इकट्ठा करके बेचने का, यानी कि उसको खरीदने का काम यहाँ पे होगा। 3 सेंटर्स पे होगा जो 3 रुपया प्रति किलो खरीदे जाएगा, और उसके बाद ये